हाँ तो मेरे जिगरी छल्लो, कई बार क्या होता है ना कि जब हम किसी से ब्रेकअप करते हैं या किसी को छोड़ देते हैं, तो जब हम लोग उससे दूर रहने लगते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो पार्टनर जिसको हम छोड़ते हैं, जिसके जिसके साथ हमारा ब्रेकअप होता है ना, वही आके हमको कहता है कि तुम दोबारा मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, तुम क्यों दूर रहते हो। और वही पार्टनर आपके साथ चीट करता था एकदम, और आपको आज आके कहता है कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे समझ आ गया है मेरी गलती। वो आपसे प्यार की भीख मांगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है और आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर ये पे जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि भाई तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में मैं कहना क्या चाहता हूँ और आप लोग कर क्या सकते हो। तो भाई इस सिचुएशन में ये होता है कि देखो, कल को वो लड़की आपसे प्यार नहीं करती थी, सिर्फ आपका इस्तेमाल करती थी, आपके साथ सिर्फ अट्रैक्शन था, कुछ दिन का गेम था। देखो, लड़कियों को लड़के चेंज करने अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़कियाँ एक जैसी होती है, कुछ लड़कियाँ अलग भी होती हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है, कुछ लड़कियाँ होती हैं प्ले गर्ल्स टाइप की, जैसे हमारे इसमें होता है ना, हमारी कम्युनिटी में प्ले बॉयज़ होते हैं, वैसे प्ले गर्ल्स भी होती हैं मेरे भाई, जो आपके साथ सिर्फ खेलती हैं, जिनको फिजिकल होना पसंद है, जिनको नए नए बॉयफ्रेंड बनाना पसंद है। कुछ बच्चे टाइप के होते हैं जो, मतलब जब उनको पता लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, तो कुछ लोग तो मजे के लिए ये बनाते हैं कि भैया मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बॉयफ्रेंड चाहिए, मतलब वो कहते हैं ना, पापा पिंक वाला, पापा लाल वाला, पापा ये वाला, सब खरीद दो मेरे लिए। तो वैसे ही भैया यहाँ पे लड़कियों को जब पता लगता है अरे ये बॉयफ्रेंड नाम की भी चीज़ होती है, तो वो बनाने लगती है। भैया बनाने का मतलब ये नहीं, बॉयफ्रेंड कम बनाती है, चूतियाँ ज़्यादा बनाती है आपको, आप वहाँ पर गलत हो जाते हो। और उसके बाद में थोड़ा बहुत आपसे बातें करती, आप भी कम थोड़ा ही ना होते, आप भी अट्रैक्टिव, यार ये धूप चाचा बहुत तेज़ लग रहे हैं, तो आप भी कम अट्रैक्टिव थोड़ा ही ना हो, आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। और आप दिखाते हो उसको कि यार देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं इतना ये हूँ वो हूँ, और लड़की बहुत ज़्यादा आपको पसंद करने लगती है। ठीक है, अब उसके बाद में आप लोग क्या होता है कि उसे कोई और पसंद आ जाता है। फिर देखो कुछ चीज़ें होती है जो ज़रूरतें होती है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होती, और छोटे बच्चों की ज़रूरतें वो भी कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे ये धोखाधड़ी होती है ना, ये छोटों में ही होती है, मतलब यही अपनी उम्र के बच्चे है ना, जितना मैं हूँ उतना उतने ही उम्र के बच्चों के साथ ही ऐसा होता है मेरे साथ। क्या बताओ, क्या करोगे जानते क्यों, तो छोड़ो। तो मेरी उम्र के बच्चों के साथ ही या आपकी उम्र के बच्चों के साथ ही ऐसा होता है ज़्यादातर, तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों है। नहीं मतलब बिना बीमारी जाने कैसे आप लोग कर सकते हो। तो भाई ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों की जो ज़रूरतें होती है ना, जो नीड्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। छोटा सा बच्चा कोई होगा तो उसको अगर आप 1 रुपया दोगे ना, तो थोड़ी देर बाद आके आपसे 2 रुपये मांगेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरतें जो हैं बढ़ती जाएंगी। अगर एक खिलौना दोगे या फिर एक टॉफ़ी दोगे तो दूसरी टॉफ़ी अपने आप मांगेगा, एक चॉकलेट दोगे तो दूसरी चॉकलेट अपने आप मांगेगा। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पे लड़कियों का साथ होता है, क्योंकि भाई इनको नए नए बॉयफ्रेंड जो है बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी भी आप लोगों को अगर मैं कहूँ कि मेरे भाई 2-4 गर्लफ्रेंड बनाओगे, तो आप लोग कह दोगे हाँ, क्योंकि भाई देखो हमारा जो है ना अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, जैसे जैसे 18-17 पे आते जाते हो, तो आपको समझ में आने लगता है कि ये सब चूतिया पंती होती है, कुछ भी नहीं होता ये प्यार, ये दुनियादारी, ये सब बकवास होता है। प्यार करना ही है तो खुद से करो, है ना, खुद से करोगे तो जब प्यार, देखो अब मैं खुद से करने लगा हूं, तो हालत टाइट है, मेरे बाल जो है, बालों पे ध्यान मत दो, बाल बड़े सेक्सी थे मेरे, लेकिन क्या करूँ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था इसलिए कटवा दिए, और गाँव में और क्या बताऊँ। तो हाँ यही सब चीज़ें होती हैं मेरे भाई, जितना कोशिश हो करें ना। अब वो लड़की को क्या होने लगता है कि जब आपसे दोबारा क्यों आने लगती है, तो भाई उसको ना, जब आप लोग देखो, अब मानो या ना मानो, ठीक है, मानो या ना मानो, जब आपका ब्रेकअप होता है, ये एक फैक्ट है कि जब आपका ब्रेकअप होता है ना, तो जब आप अपने पार्टनर के साथ या अपने एक्स के सामने जाते हो ना, तो आप आमतौर पर 35% जैसे आप पहले उससे मिलते थे ना, उससे ज़्यादा सेक्सी लगोगे। 35% आप बहुत ज़्यादा सेक्सी लगोगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, क्योंकि वही चीज़ें जब अभी आपकी ही चीज़ अगर किसी और के साथ मिल जाए, या फिर आपकी ही बाइक किसी कोई और चलाता रहे, तो बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है देखने में, या फिर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि यार इसके पास क्यों है, मेरे पास होनी चाहिए, ये मेरी चीज़ है। तो मानो या ना मानो, वो चीज़ आपको अपनी लगने लगती है। तो वैसे लड़कियों को लगता है कि यार ये बंदा जा रहा है तो मेरा था, ये बात क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, अब मैंने गलत किया। तो भाई वो बंदी आपसे माफ़ी मांगेगी, हर चीज़ करेगी, लेकिन वो अपनी आदत नहीं सुधारे। कहते हैं ना, हम तो सुधरेंगे ही नहीं, तो वो चीज़ वो करेगी, हम तो सुधरेंगे ही नहीं। तो भाई इस सिचुएशन में आपको खुद उसको सुधारना पड़ेगा, अगर आप लोग चाहते हो भाई एक ना एक बार तो आपको भी प्यार हुआ होगा। यार हम लड़के बड़े ना दिल के छोटे से होते हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, आई नो ब्रो। तो प्यार तो हो ही जाता है, चाहे थोड़ा सा ही हो, अट्रैक्शन टाइप का ही हो, लेकिन प्यार तो हो ही जाता है। तो वही चीज़ आप लोग समझते हो, यार ये बंदी फिर से वापस आ जाए, यार जब आई है ना, तो हम लोग ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाते, है ना, मेरा बात है ना, तो मान जाते हैं।
तो वही चीज़ मेरे भाई कि आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि देखो तुम ही एक नहीं हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। अगर किसी को दिखाओगे मेरे पास एक रुपया तो तुम्हारे उस एक रुपये के चक्कर में तुम्हारी लेके चला जाएगा। अब तुम बताओगे मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। एक बुढ़िया होती है और एक बुढ़े होते हैं, तो भाई वो बुढ़ापे में ना मतलब क्या करते हैं, उनके पास एक रुपया भी नहीं होता, लेकिन वो अपना एक बक्सा होता है उसमें ना रखते हैं पैसे। ठीक है, पैसे क्या, वो जो ईंट पत्थर होते हैं वो रख देते हैं, और उसको रात में क्या करते हैं, खड़खड़ खड़खड़ करते हैं, और फिर उसके बाद में उसको फिर से वापस रख देते हैं। घर में जो सास मतलब बहू बहू रहते हैं, बेटे बेटे रहते हैं, कहते हैं यार दादा बाबा के पास तो बड़े पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, उनकी भाई सेवा पानी करते हैं अच्छे से, बिल्कुल एकदम राजा बना के बाबा के पास तो पैसा है, बाबा जब मरेंगे तो पैसा हमारा हो जाएगा भाई, पैसे ही पैसे। तो वही चीज़ बाबा ने दिखाया कि मेरे पास धन दौलत है। अब भाई बाबा जब मरते हैं ना, तो जब उनका पेटी खोला गया तो उसमें ईंट पत्थर यही सब मिले। तो इससे ये हम ये सीखते हैं कि भैया देखो कभी कोई किसी को ये मत दिखाओ कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास नहीं है वो चीज़, हर किसी को दिखाओ कि है। तो आप लोग भी जब दिखाने लगते हो ना लड़कियों की, तुम्हारे सिवा मेरा कोई है ही नहीं, तुम्हारे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊँ, तो भाई तुम्हारे करने के पहले ही वो तुमको मार के चली जाएगी। ठीक है, तो कहते हो ना भाई रिलेशनशिप में रख के हमने सबसे बड़ी गलती की, तुमसे प्यार करके हमने सबसे बड़ी गलती की, ये सब सिर्फ बकवास होता है। आप लोग अगर दिमाग से एक रिलेशनशिप को चलाओगे तो बहुत प्यार से चलेगा। ठीक है, दिमाग से और फीलिंग्स के साथ, ठीक है, समझ के दिमाग से ये सब चीज़ों करोगे तो बहुत मस्त चलेगा। तो आपको इस बार ये सब समझना पड़ेगा, दोबारा आप उसके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा घटिया किस्म की है तो बिल्कुल मत जाओ, या फिर वो लड़का बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का है तो बिल्कुल मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लड़की और लड़का दोनों समझ लो मेरी बातों को, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।